हाय एवरीवन। तो मैं सो गया था, ब्लॉग कंप्लीट करके काम भी ख़त्म हो गया था। हमारे अजीम भैया कॉल आया, नो बोले कि गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया, ऑटो करेंगे बोले तो फिर जा रहा हूँ। हैदराबाद की दोस्ती ऐसी है कि कुछ भी हो जाओ क्या भी हो जाओ जाना ही पड़ता। हालांकि सर्दी इतनी है कि निकलना दिल नहीं बोल रहा, मगर फिर भी अब जाना पड़ता। सलाम वालेकुम जी, हमारे सद्दाम भैया। वालेकुम सलाम, खैर है शेख? अल्हम्दुलिल्लाह। सद्दाम भैया आप आए कितनी रात को, कुछ खास बात? फोन करे थे जिम में, गाड़ी में पेट्रोल हो गया बोल के। अच्छा, आपको भी कॉल करे थे? नो हाँ, और भाई जो बोले घोड़े पे बैठ के। हाँ, मेरे को भी कॉल करे थे भाई, मगर जाना पड़ता, हैदराबाद की दोस्ती है तो निभाना पड़ता। क्या बोलते? सही बात। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्तों, फिर हम मिलेंगे अजीम भाई के पास। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो भाई देखिए, आप लोग अजीम भाई खड़े हुए हैं, अजीम भाई की गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया। सलाम वालेकुम अजीम भाई। ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिए क्या भाई? कैसा दिख रहा है आपको गाड़ी में पेट्रोल हो गया तो? सर्दी बेफहरी हो रही है भाई मेरी, 1:30 बज रहा रात का, बेफहरी सर्दी अच्छी खासी, पेट्रोल खत्म हो गया गाड़ी में। हाय हाय, फिर कैसा? वहाँ के पंप पे देखा, देखो था वहाँ के पंप पे देखा पेट्रोल ही नहीं है बैगन वहाँ पे। हाँ ली, फिर क्या ऐसा वैसा चौक पे स्टार्ट करके भगा लेते, यहाँ तक लाया हूँ मैं, बोला अभी हला के फोन कर देना बाबू क्या होता बोला, सर्दी बहुत ज़्यादा है भाई। हाँ, अब क्या करना है, अभी टो करना है यहाँ से? आओ भाई, ये आया है, मैं ब्लॉग बनाने आया था, अब गाड़ी टो करूँ भाई। जबरदस्त लखो, ये टाइम पे लखो करो, तुम्हारे लागा लागा सर्दी जबरदस्त होगी। ठीक है चलो, कुछ बोलना चाहेंगे आप? क्या बोलूँ भाई, देखो अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, ऐसे वेदर के टाइम पे, आधी रात के टाइम पे ना भाई, अगर गाड़ी लेके निकल रहे ना तो पेट्रोल चेक कर लो। अपने हैदराबादियों की खास चीज है, देखो 50 का डाल के माँ को 4 दिन घूमेंगे बोल के सोचते, हमारी भी वही सोच है समझ रहे, तो रात में ऐसा नहीं कर रहे ना भाई, ऐसे दोस्तान भी होना पड़ता जो अपना भी काम कर लेते। देखो ना ब्लॉगिंग कर ले रहे, इनको अपने काम के आज से बुलाया था भाई, पेट्रोल डाल के निकलो या फिर चेक कर लो, ऐसा पैदल हो जाते नहीं तो। अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स, तो अपन निकल चुके हैं आज घर से चौक पे जाने के लिए। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि अफजलगंज की ओल्ड मोटर पार्ट्स की मार्केट, जहाँ आपको कार के सेकेंड हैंड पार्ट्स मिलेंगे, ठीक है ना? आगे कंटिन्यू। अल्हम्दुलिल्लाह अपन पहुंच चुके हैं अफजलगंज ओल्ड मोटर पार्ट्स की मार्केट के पास। ये तो अभी बाहर का कुछ नज़ारा है, मैं अंदर का गाड़ी पार्किंग करे बाद आपको बताऊंगा, ठीक है ना? ये देख लीजिए आप लोग बाहर से ऐसी दिखती है। ये देखिए, गाड़ी तो मैं पार्क कर चुका हूँ, अब अपन जाएंगे ओल्ड मोटर पार्ट्स की मार्केट की तरफ। ये देखिए बेगम बाज़ार है, इंशाल्लाह यहाँ की भी वीडियोस को जल्द मैं कवर करके आप लोगों को बताऊँगा, आप लोगों तक पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह। ये देखिए यहाँ की ट्रैफिक, यहाँ कुछ भी नहीं तो नहीं भाई, ट्रैफिक आखिरी रेडी देखो, अगर आप लोग कार लाए तो बहुत देख समझ के आना पड़ता है, मतलब ट्रैफिक। पहली बात तो यहाँ पार्किंग की स्पेस नहीं है कारों के लिए, फिर भी लोग ऐसा कहीं लगाते, देखो वहाँ ऐसा, ठीक है ना? ट्रैफिक तो बहुत ओवर रहती भाई, बाइक बड़ी मुश्किल से खड़ा कर सकते। तो फ्रेंड देखिए आप लोग, अपन यहाँ पर मार्केट को आ चुके हैं, अब देखेंगे यहाँ पर क्या क्या मिलता। देखो आप लोग अभी ये मार्केट के दुकान है, ये है हमारा पागल दादी। हाय गाइस, हाउ आर यू टुडे? मोहन भाई क्या मिलता आपके पास? भाई देखो, ये मोहन भाई की दुकान है अफजलगंज में, और ये उमर है, अगर आपको कार के पार्ट्स कुछ चाहिए, बम्पर वम्पर, तो इनको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप। नंबर ले लो, 8161881 देख लिया ना भाई, आप लोगों को नंबर ही मिल गया। ये हमारा फजल है, देखो आप इन्हें सामना लेता तो बरोबर, मगर पैसे किसी को नहीं देता क्या भाई?
ये भी एक टैलेंट है, कुछ ही गाड़ी का रिलीजल ना आपको और चिप का रिलीजल मिल जाएगा इंशाल्लाह, दे दूंगा मैं आपको। दे दो, चलो दे रहा हूँ। तो भाई अपन यहाँ पर मार्केट में तो आ गए, आप लोगों को बोला था मैं। अब रही बात ये, अगर आप लोगों को कार का कुछ भी सामान होना इधर आ सकता है अफजलगंज पे। अलहमदिल्ला पूरा सामान तकरीबन मिला था, देखो इसी के सामान है, ये बम्पर है, टैम्बर है और ये हेडलाइट्स की दुकान है। देखो आप लोगों को यहाँ पर इंजन अगर चाहिए तो इंजन ही मिल जाते, ये पूरे इंजन है, देखो आप ऐसे पूरे इंजन है, ठीक है ना भाई। ये कार के क्लच प्लेट ना बोलते हो आपको, क्लच प्लेट ही मिल जाते हैं यहाँ पर, कौन सी भी गाड़ी है क्लच प्लेट मिल जाते हैं। ये हमारे मसूद भाई है, मसूद भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, क्या क्या मिलता मिल जाता, क्या मिलता आपके पास? क्लच प्लेट। चलो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और भी बढ़िया है मार्केट, देखिए आप लोग, ये हमारे दादा है शेख, वहाँ का भी कर लिए, फिर नेक्स्ट टाइम बताऊँगा मैं आपको। देखो फ्रेंड्स मार्केट तो बहुत बढ़िया है, ये हमारा छोटू है, ये हमारा जुबा है, ये हमारा जुम्मई है, ये तो को फसल दिन तमाम खाली आशी करते रहता है, खाली आशी करते रहता। ये हम, ये दुकान है हमारे अकबर भाई की, ये हम पहुंच चुके हैं अपने अकबर भाई के पास। सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू अकबर भाई। अरे अकबर भाई, अकबर भाई क्या मिलता है कि अपने पास जी, और कुछ बोलना चाहेंगे आप? तो ये तकरीबन सामान मिल जाता है बोलो आपके पास, तो ऐसे सर इसकी पार्ट्स की दुकान है आपकी? अच्छा, साइड मिरर्स भी अवेलेबल है जी, हेडलाइट साइड मिरर्स भी अवेलेबल है। अच्छा ठीक है अकबर भाई।